हेलो एवरीवन, आज हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ये प्रैक्टिकल भी हमारा एरियल फोटोग्राफ की एनालिसिस ही करनी है स्टीरियोस्कोप की हेल्प से। और आज जो हमें एनालिसिस करनी है वो हमें ग्लेशियर एरिया की करनी है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट हमारे वही होंगे स्टीरियोस्कोप और एरियल फोटोग्राफ्स। हमें पता है एरियल फोटोग्राफ्स हमारी क्लियर में होती हैं, और हमें ये भी पता है कि स्टीरियोस्कोप कई टाइप के होते हैं, जिनमें से दो स्टीरियोस्कोप हम देख चुके हैं और उनसे परफॉर्म भी कर चुके हैं। पहला था पॉकेट स्टीरियोस्कोप, दूसरा मिरर। पॉकेट स्टीरियोस्कोप बहुत ही छोटा होता है जिसे हम इजीली कैरी कर सकते हैं और थोड़ी बहुत एनालिसिस कर सकते हैं फोटोग्राफ्स की। अगर हमें कुछ खास चीज़ों की देखनी है तो हम उसको देख सकते हैं। मिरर स्टीरियोस्कोप की हेल्प से हमारी जो एनालिसिस होती है वो थोड़ा सा अच्छे से हम कर सकते हैं, और मिरर स्टीरियोस्कोप की हेल्प से हमें 3D व्यू भी देखने को मिलता है, जबकि पॉकेट स्टीरियोस्कोप की हेल्प से हमें सिर्फ 2D व्यू देखने को मिलता है। हमने देखा था जब मिरर में हम देख रहे थे तो उसमें हमें कुछ हाइट तक इमेजेस दिख रही थी, और जो आज हम परफॉर्म करेंगे वो हमारा बायनोकुलर स्टीरियोस्कोप होगा, जो बहुत ही हाई लेवल का स्टीरियोस्कोप होता है, हाई क्वालिटी का। और इसकी हेल्प से हम इमेज की एक एक पॉइंट को, छोटे से छोटे पॉइंट को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं, मतलब बहुत ही क्लियरिटी के साथ हम देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी तो सारी चीज़ें सेम ही है, फोटोग्राफ्स हमारी सेम ही होती हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हमारा आज का स्टीरियोस्कोप कैसा है और उससे कैसे हम वर्क करते हैं। ये हमने अपनी एरियल फोटोग्राफ्स ले ली हैं 2-3, ठीक है। हमारे पास 2-3 फोटोग्राफ्स हैं जिसमें से हम ये वाला एरिया ले लेंगे। ये फोटोग्राफ्स हमने निकाली, और जैसा कि सेम 2 फोटोग्राफ्स होती हैं, फोटोग्राफ्स हमारे कंटिन्यू हैं या अल्टरनेट, ये हम उनमें दिए हुए सीरियल नंबर की हेल्प से चेक कर लेते हैं। ये 30 है, 31 है, इससे हम क्लियर हैं कि ये इस फोटोग्राफ्स के बाद यही फोटोग्राफ्स ली होगी। बाकी और भी सारी डिटेल्स दी होती हैं फोटोग्राफ्स की, सारी डिटेल, स्केल कितनी है, प्लेस कौन सा है, किस टाइम में लिया गया है, किस सन में लिया गया है, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिटेल दी होती है। ये हमारी फोटोग्राफ्स, इनके बारे में हम जान चुके हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा स्टीरियोस्कोप। तो ये हमारा स्टीरियोस्कोप है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इस स्टीरियोस्कोप में हमें मिरर भी साथ में दिया होता है। ये यहाँ पे ये तो मिरर लगा होता है, ये लेंसेज लगे होते हैं। इन लेंसेज को हम मतलब एंगल पे सेट करके अच्छे से अपनी क्लियरिटी देख सकते हैं, मतलब फोटोग्राफ्स को अच्छे से क्लियर करके एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इसमें एक मेन फंक्शन है वो है ये हमारा बायनोकुलर स्टीरियोस्कोप, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम अलग से लेंसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। हम इसकी हेल्प से भी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन इन हेल्प लेंसेज की हेल्प से एनालिसिस बहुत ही क्लियर होती है। छोटे से छोटे पॉइंट को हम अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे ये सेट करने के लिए दिया होता है, इसको हम इस टाइप से सेट कर देते हैं और इसकी हेल्प से हम एनालिसिस करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास जो फोटोग्राफ्स हैं उनको हमें कॉमन पोर्शन लेके ओवरलैप कराना होता है। ओवरलैप करा के एक इमेजिनरी 4 पार्ट्स में, 4 कोऑर्डिनेट्स में हम डिवाइड करते हैं और उसके बाद एनालिसिस कर लेते हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का सिर्फ इतना ही रीज़न होता है कि हमें एनालिसिस करने में थोड़ी सी इजी पड़ जाता है। वैसे तो हम देखते रहते हैं यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि फोटोग्राफ्स के किस पोर्शन में ग्लेशियर था या सिटी था या फिर एग्रीकल्चर एरिया था, हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए सिर्फ हम ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारी फोटोग्राफ्स हैं, इनमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो एरिया हमें दिख रहा है ये कॉमन है, ठीक है। तो इस कॉमन एरिया को हम ओवरलैप करवाएंगे। अब हमने ये फोटोग्राफ्स देखिए ओवरलैप करवा लिया। अब हम इसकी हेल्प से इसमें देखेंगे कहाँ पे ग्लेशियर वाला एरिया है। वैसे तो हम नॉर्मल भी देख सकते हैं, तो ये जो पोर्शन हमें दिख रहा है ये ग्लेशियर वाला ही एरिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सी है। ये ब्लैक पोर्शन जो हमें वो सी की तरफ इंडिकेट करता है, बहुत बड़ा समुद्र है या हम कोई बोल सकते हैं महासागर वगैरह है। उसके बाद जो ये साइड का एरिया है यहाँ पे जिस हिसाब से दिख रहा है ये ग्लेशियर का एरिया हम कह सकते हैं। अब हमने ये फोटोग्राफ्स ओवरलैप करवा ली हैं, अब हम देखते हैं इसमें स्टडी करेंगे जो जो चीज़ें हमें स्टडी करनी होंगी, जो जो चीज़ें हमें दिख रही हैं। इसमें भी हम एक इमेजनरी 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे और स्टडी करके अपने साथ एक कॉपी पेन रखेंगे जिसमें हम नोट करते चलेंगे हमने कहाँ पे क्या क्या चीज़ें स्टडी की हैं। साथ में हमारे और
ऑब्जेक्टिव में जो हमें चीज़ें दी हुई हैं उनको हम ज़्यादा फोकस करके ऑब्जर्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे, बाकी सब चीज़ें नॉर्मली हम करेंगे। तो अभी हम इसको सेट करेंगे, तो हम जो हमारे लेंसेज हैं उनको सबसे पहले हम 45 डिग्री पे सेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे इसको फोकस करेंगे। अब हमें ये देखिए यहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, हम इनको अच्छे से देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से हम इसको एनालिसिस करके सारी चीज़ें नोट कर लेंगे, और साथ में हम अगर यहाँ पे मिरर में देख लें तो मिरर में भी हमें जो ये चीज़ें दिख रही हैं वो 3D व्यू दिख रहा है, कुछ हाइट में ही दिख रही हैं। जब हम इसकी एनालिसिस करते हैं तो हमें दिखता है कि ये कुछ हाइट में है, कुछ 3D में दिख रहा है पोर्शन। तो इस तरह से हम इसकी एनालिसिस कर लेते हैं और सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे चीज़ों को नोट करते हैं। आइए, मान लेते हैं ये हमारी इमेज है और ये कुछ इस साइड से ओवरलैप कर रही है, इस पोर्शन से इसने कुछ ओवरलैपिंग की है। अब इस पोर्शन को ओवरलैप हमें अलग नहीं मानना, हमें ये पूरी इमेज एक जैसी माननी है, ये पूरी इमेज एक है। अब इस पूरी इमेज में हमें चार पार्ट में डिवाइड कर लेना है, और जिस पार्ट में हमें जो भी दिखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जिस पार्ट में हमें जो भी चीज़ें दिखी हैं वो हम यहीं पे नोट कर लेंगे। जैसे सिटी का एरिया है, सिटी हो गया, रोड हो गई, यहाँ पे हमारा पेन एरिया, यहाँ पे हमारा सी था, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे ब्लैंक एरिया है, जो भी जैसी भी चीज़ें हमें दिखती थी इस टाइप से हम यहाँ पे सारी चीज़ें नोट कर लेंगे, यही हमारी एनालिसिस होगी। एक चीज़ और बता दूँ, जो भी सारी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे तो ऐसे नोट कर लेंगे जो भी एनालिसिस किया, इसके साथ में हमें कुछ और डिटेल्स नोट करनी होती है। तो हमें डिटेल जो हमने आपको बताया, जो फोटोग्राफ्स पे हमारा जो फोटोग्राफ्स पे नीचे डिटेल दी होती है, टाइम हो गया, डेट हो गई, सीरियल नंबर हो गया, ठीक है, सीरियल नंबर हो गया, और प्लेस, ये सारी डिटेल भी हम नोट कर लेंगे। जो भी हमें फोटोग्राफ से डिटेल दी हुई है उनको भी एक एक करके हम नोट कर लेंगे, और साथ में फोटोग्राफ्स पे कुछ आपको बैक साइड में नंबरिंग दी होती है वो भी हम नोट कर लेंगे, जिससे हमें पता रहे कि जो हमने स्टडी की है वो प्रेजेंट टाइम में किस फोटोग्राफ्स की है और वो फोटोग्राफ्स किस प्लेस की है, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम में स्टडी करें तो हम अच्छे से और उसको देखें कि हाँ हमने लास्ट टाइम स्टडी की थी तो क्या क्या चीज़ें मिली थी, अभी हमें क्या हो सकता है, कुछ नया देखने को मिले। तो इस टाइप से हम सारी डिटेल भी उसकी नोट कर लेंगे। ये प्रैक्टिकल हमारा यहीं पर कम्प्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।